महाराष्ट्र के टिटवाला पुलिस ने ताबीज में लिखी बंगाली भाषा और बोरी में लगे मुर्गी के पंख के आधार पर बंगाल से एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया जो अनैतिक संबंध और ब्लैकमेल से परेशान करके महिला की पहले गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को एक बोरी में भरकर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी लाश को जंगल में जलाकर फरार हो गया था। जानकारी के अनुसार 15 दिन पहले यानी कि 23 जून को खड़वली रोड के पास एक 25 से 30 साल की महिला का अर्धजली लाश मिली थी पुलिस को। यह लाश इस तरह जली हुई थी कि इस महिला को पहचानना मुश्किल था। पुलिस को पता था कि महिला की हत्या हुई है और उनके पास कोई सबूत ना होने के कारण हत्यारे तक आसानी से पहुंच पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। पुलिस को एक नहीं बल्कि दो दो सुराग मिले जिससे पुलिस बड़ी आसानी से हत्यारे तक पहुंच गए। बता दें कि पुलिस तहकीकात करते हुए जब महिला की शिनाख्त करने के लिए मृतक महिला के अर्धजली शव से निशानी खोज रही थी, उसी वक्त पुलिस को मृतक महिला के कमर में बंधे एक ताबीज मिला जिस पर बंगाली भाषा का उपयोग किया गया था, जिससे जाहिर हुआ कि पुलिस को यह महिला बंगाल की रहने वाली है। वहीं महिला के शव के बोरी में मुर्गी के पंख व मांस मिला जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्यारे का संबंध जरूर चिकन बेचने वाले से होगा। फिर क्या था, पुलिस ने 4 से 5 टीम बनाकर आसपास के परिसर की सभी चिकन की दुकानों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान पुलिस को टिटवाला के बनेली गाँव में एक चिकन सेंटर बंद होने की जानकारी मिली। जब पुलिस ने आसपास वालों से चिकन सेंटर बंद होने के बारे में पूछा तो पुलिस को मालूम पड़ा कि यह दुकान का मालिक आलम शेख का है जो कि वह बंगाल रहने वाला है, जिससे मिलने अक्सर एक महिला आया करती थी और वह कई दिनों से किसी को दिखे नहीं। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत 2 टीम पश्चिम बंगाल आलम के गांव भेजकर आलम शेख को गिरफ्तार कर लिया। 19 के दिन 10:30 बजने के दरमियान पुलिस स्टेशन में एक मालूम मिली थी कि एक डेड बॉडी जो अननोन है वो राया टू खड़ौली जाने के रास्ते के बाजू में है और उसको जलाया दिया है। इस हिसाब से पुलिस जाके वहाँ पर देखी तो वहाँ पर 25 से 30 साल की उम्र की एक महिला की डेड बॉडी थी, उसको जलाया वाला था। जब पुलिस जाके पुलिस ने उस पर FIR किया, फिर FIR करने के बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे तो वहाँ मुर्गी के पीस वहाँ पर मिले तो ऐसा लगा पुलिस को कि यहाँ पर कोई तो भी मटन शॉप चलाने वाला है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या मटन शॉप वाले से मालूम मिलेगी। PI पांडे साहब और हमारे LCB के बड़क साहब, इन दोनों ने ज़्यादा मालूम निकाली तो उसमें जो कोमड़े का मटन शॉप चलाने वाला आलम नाम का बच्चा है उसका मालूम मिला। उसने उसकी जो फ्रेंड थी मोना बोल के उसको अपने घर में बुला के उसको मफलर का हेल्प लेके उसको गला दबा के मार दिया और वहाँ पर डाल के उसको जला दिया था। सर, इसमें मुर्गी का जो ये मिला था पर मिले थे, हाँ, उसके मदद से किस तरीके से जांच की गई? इसमें मुर्गी के पर मिले थे तो ज़्यादा परसेंट थे तो इसके लिए ऐसा लगा कि ये तो कॉमन आदमी के घर में नहीं मिल सकते हैं तो ये कोई तो भी मुर्गी का धंधा करने वाला या मुर्गी कटाई करने वाला ही रहेगा। इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन का रास्ता मिला और इस हिसाब से मालूम निकाल के इन्वेस्टिगेशन हो गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या है सर आलम की? आलम की बैकग्राउंड उसका मुर्गी का शॉप, मटन का शॉप है। अभी तक तो बाकी के मालूम नहीं है। आरोपी आलम को कलकत्ता के आगे जाके वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया है। एक आरोपी इसमें फरार है, उसको भी मनोरोधीन है, उसको भी जल्दी से जल्दी अटक किया जाए। आलम ने बताया कि इसने मेरे से 2.5 लाख रुपए लिए थे और वो पैसे की मांगनी कर रही थी। उसके और आलम के अनैतिक संबंध थे, आगे जाके और पैसा मांगेगी, मुझे ब्लैकमेलिंग करेंगे, इस डर के मारे उसने उसका मर्डर किया है।